可以不用的吗？चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर कहाँ से शुरू करना है? थर्टी फाइव तक हुआ हुआ है, 35 तक हो गई थी ना, करनी है? ओके, 35। चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 35, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में से। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये गिवन है कि सपोज ये एक वायर है, ये दूसरी वायर है, ये तीसरी वायर है, और इस तरीके से कुछ वायर्स गिवन है, एंड सच दैट ये एक और है। तो इसमें करंट कितना है? 3 एम्पियर। इसमें करंट कितना है? 4 एम्पियर। इसमें करंट कितना है? 2 एम्पियर। इसमें भी कितना है? 2 एम्पियर। इसमें कितना गया? 1 एम्पियर। और यहाँ से कितना आया? 2 एम्पियर। ठीक, ये मेरे ख्याल से गिवन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ तक ये गिवन है। अब मुझे ये साफ पता लग रहा है, अगर ये 2 है, ये 3 है, जंक्शन पे ये मिलेंगे और ये कितने एम्पियर आ जाएगा? 5 एम्पियर। ठीक, ये 5 एम्पियर आ गया। इधर से ये 5 एम्पियर है, यहाँ शायद थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुई है, ये डायग्राम सही नहीं बना कुछ। ये 2 एम्पियर की वायर यहाँ कनेक्टेड नहीं है, थोड़ी नीचे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, तो बीच में ना वायर भी है एक ऐसे, ये सही है। ओके, अब शुरू करते हैं। तो ये कितना है? 5 एम्पियर। ये कितना है? 5 एम। अब देखो यहाँ से करंट कितना जा रहा है, रादर जा रहा है 2 एम्पियर, और यहाँ से कितना जा रहा है? 1 एम्पियर। तो बीच वाली वायर में कितना आ रहा होगा? 3 एम्पियर, क्योंकि 3 एम्पियर में से 2 इधर और 1 इधर, राइट। इस जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है? 5। 3 ऊपर चला गया तो पक्की बात है 2 एम्पियर नीचे आ रहा है। ये 2 जंक्शन के पास आ रहा है, इधर से 4 जंक्शन के पास आ रहा है, दोनों मिलेंगे तो कितना बनेगा? 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर करंट इधर आ गया, 6 इस जंक्शन के पास आ रहा है, 2 इस जंक्शन के पास आ रहा है, दोनों मिलेंगे तो कितना बनेगा? 8 एम्पियर आंसर। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन नंबर कौन सा? फोर्थ ना, ये वही क्वेश्चन है जो एक बार हमने उसमें सब्जेक्टिव शीट में किया था, जिसमें 12 सेल्स हैं, याद है? वो 12 सेल्स होते थे, 12 सेल्स में से कुछ रॉन्गली कनेक्टेड हैं। तो रॉन्ग कितने कनेक्टेड हैं? एन। तो रॉन्ग की ईएमएफ क्या है? एन ई। टोटल ईएमएफ कितनी थी? 12 ई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो सही कनेक्टेड सेल्स हैं वो 12 माइनस एन है, सही की ईएमएफ इतनी, रॉन्ग की इतनी। तो हम इसको ऐसे सॉल्व किया करते हैं, हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है ये। इसका आंसर मेरे ख्याल से 3 था, 3 आ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला? 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में अ बैटरी ऑफ 24 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज टू बी कनेक्टेड इन ऑर्डर टू सेंड मैक्सिमम करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टर। तो इसमें वो कह रहा है कि 24 सेल्स हैं, 1.5 वोल्ट ईच है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, मैक्सिमम करंट वर्ड यूज किया गया है, और अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। एक बैटरी एक रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस कितनी है? 12 ओम है। तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है और एक इंटरनल गिवन है, और ये क्वेश्चन है मिक्स्ड ग्रुपिंग का, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने सीरीज हैं और कितने पैरेलल हैं। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू व्हाट? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर एम बाई एम। हमने क्लास में किया था, मिक्स ग्रुपिंग का केस था, जिसमें टोटल ये फॉर्मूला हमने याद किया था कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है तो मिक्स ग्रुपिंग यूज होती है और करंट हमेशा मैक्सिमम आता है। अब इस केस में आपको क्या गिवन है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 गिवन है, एन और एम आपको पता नहीं, और ये 2, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी एन और एम की। और ऐसे टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने? 24 इज इक्वल टू एन इंटू कितना?
एम, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एन और एम कैन बी कैलकुलेटेड। तो नंबर ऑफ सीरीज में कितने हैं और पैरेलल में कितने हैं आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है, सेवेंथ ब्रांच अब हो गया। हो गई मानस, हो गया। स्लोप निकलेगी इसमें भी और आई की। स्लोप क्या है? बैटरी की वोल्टेज बाय बैटरी का जो करंट है, ये ना इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। इसमें कह रहा है वी फॉर वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर बैटरी की रीडिंग ले रहा है, बैटरी की वोल्टेज पता है, बैटरी का करंट पता है, और स्लोप इस केस में है कितनी, एक्स डिवाइडेड बाय वाई। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, उल्टा कर दो वाई बाय एक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 क्वेश्चन में ना देखो, जब आपको कुछ समझ में ना आए, आप ना सबसे पहले दो बैटरीज के केस में ना किरचॉफ लॉ लगा लिया करो, सबसे बेस्ट तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 9th में देखो, जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके अंदर आपके पास एक बैटरी गिवन है, एक और बैटरी गिवन है। ये चीज़ कभी नहीं भूलना कि ये बैटरी कैसे कनेक्टेड है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये 2 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, इसकी रेजिस्टेंस 0.1 ओम है, इसकी रेजिस्टेंस 0.3 ओम है। तो हम क्या करेंगे कि मान लो इसमें आई करंट आया, ये आई करंट है, ये आई करंट है और ये आई करंट है, बैटरी सीधी उल्टी का कोई चक्कर नहीं है। वैसे जिनको सीधा फॉर्मूला याद है वो सीधा फॉर्मूला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, ये प्लस माइनस नहीं है, अच्छा प्लस माइनस है, ओके। तो ये प्लस माइनस है और ये भी प्लस और माइनस है, राइट। तो हम क्या करेंगे, करंट निकाला हमने, हम ना किरचॉफ लॉ लगा के करंट निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट होते हैं, करंट इस तरफ जा रहा है तो बीच में रेजिस्टेंस भी है, तो माइनस आई इंटू कितनी, 0.3। माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस 2 वोल्ट, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस 2 वोल्ट, करंट बीच में रेजिस्टेंस भी आ रही है तो ये लो माइनस आई इंटू आर, और फिर करंट के साथ जा रहे हैं माइनस आई इंटू 0.2 इज इक्वल टू वॉट, 0। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या जाएगा, करंट आ जाएगा। एक लूप निकाल लो, चाहे सीधी चाहे उल्टी, कोई फर्क नहीं, करंट आ गया। आपको क्या निकालना है, आपको अगर ये कहा जाए इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, फॉर्मूला क्या होता है, ई माइनस आई आर। तो ई की वैल्यू इसमें कितनी है, 2, आई हमने नीचे से निकाल लेना है और रेजिस्टेंस कितनी है, 0.1। और ऐसे अगर इसका टर्मिनल पोटेंशियल बोलेगा तो ई माइनस आई इंटू आर से इसकी वोल्टेज कितनी है, 2, करंट हम नीचे से निकाल लेंगे और इंटू 0.3। तो इस तरीके से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड फॉर बोथ दी सेल्स। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरीज कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा। हाँ जी, ठीक, यहां तक ओके। नेक्स्ट 36 पे आ जाते हैं, शीट नंबर 36। तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में से
First. Okay. Fourth. Okay. देखो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में से हो गए, पहले तीन हो गए थे। फोर्थ, द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर एंड ईएमएफ ऑफ इट्स स्टैंडर्ड सेल इज ई। तो ये लो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर, ये आपके पास एक बैटरी है और इसकी रियोस्टैट गिवन नहीं है तो हम नहीं लेते, कोई बात नहीं। ये एक 100 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी एंड बैटरी की ई एम एफ उसने कहा ई है। इट इज़ एम्प्लॉयड टू मेजर द ई एम एफ द बैटरी हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज, वो कह रहा है कि इसको हमने यूज़ किया ताकि एक सेल की ई एम एफ निकाल सकें और इस सेल की जो ई एम एफ है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 0.5 ओम है। बैलेंसिंग लेंथ वो कह रहा है एल इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर पे है, 30 सेंटीमीटर पे है। आपको ये बताना है ई एम एफ ऑफ द बैटरी क्या होगी, कौन सी बैटरी, इसकी ये वाली बैटरी, ईएमएफ ऑफ द बैटरी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। देखो इस सेल में से करंट बाहर निकलेगा नहीं, जब हम ईएमएफ सेल को कनेक्ट करते हैं तो वो करंट बाहर निकालेगा नहीं, क्यों, क्योंकि बैलेंसिंग पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होती है, जीरो। तो अगर इसमें से कोई करंट बाहर नहीं निकलेगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कितना शो करेगी, वी की ई डैश, ई डैश। करंट जब बाहर निकलता है तो ई डैश माइनस आई इंटू आर लगता है, पर जब करंट बाहर नहीं निकला तो E डैश का E डैश, तो यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा, E डैश। जितना नीचे पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ऊपर हो गया। अच्छा, इस पोर्शन में करंट जाएगा I इसका, तो E डैश इज इक्वल टू करंट I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। V इज इक्वल टू IR लगा लिया, ओम ना लगा लिया यहां पे, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में जब इसकी रेजिस्टेंस ना गिवन हो ना और लेंथ गिवन हो, हमेशा एक चीज नोट करना, लेट अज्यूम कर स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये इमेजिन कर लिया करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो स्मॉल आर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मतलब एक सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो 100 सेंटीमीटर की कितनी है, 100 आर है। तो इसमें करंट कितना आएगा, ई डिवाइडेड बाय 100 आर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से 100 आर है, तो ई डैश इज इक्वल टू कितना आएगा यहां पर, ई डिवाइडेड बाय 100 आर, और 30 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, 30 आर है। तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां से आपके पास क्या निकालना है आपको, ई डैश निकालना है, 30 बाय 100 आ गया आंसर, ए आंसर आएगा। बोला ही नहीं रियल स्टार्ट तो नहीं लूंगा, नहीं तो बोल देता इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम 15 ओम, नहीं बोला तो नहीं लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 सिक्स्थ, फिफ्थ भी है, सिक्स्थ, ओके। थर्मोकपल, चलो अब तो समझ में आ गया थर्मोकपल, इसका स्टेटमेंट ही कंप्लीट नहीं है राइट साइड से कुछ, चलो कुछ समझ में तो आ ही रहा है।
देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 2 वोल्ट की बैटरी गिवन है, एक रियोस्टैट आर गिवन है, पोटेंशियोमीटर की बैटरी गिवन है, और दिस इज गैल्वेनोमीटर जी, और ये क्या है, एक थर्मोकपल गिवन है जो 6×10⁻³ वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ हुआ है, थर्मो ईएमएफ है। हमें थर्मो ईएमएफ से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि नीचे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इतना है। तो चाहे बैटरी का हो चाहे किसका मर्जी हो, और बैलेंसिंग लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 0.6 मीटर बैलेंसिंग लेंथ है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 6×10⁻³ वोल्ट है, कुछ इस तरीके से, ठीक है यहाँ तक। तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से, और ये भी गिवन है कि इस वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, 5 ओम है, और बस ये गिवन है। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, आर निकालना है। देखो मेरे को इतना समझ में आ रहा है यहाँ से कि यहाँ पर जो करंट जाएगा ना इसमें आए, वो जाएगा 2/R प्लस टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 5, सही है। इतने पोर्शन में ओम लॉ लगेगा, 6×10⁻³ इज आई करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ कितने सेंटीमीटर, 0.6 मीटर। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ गिवन है, चेक करना प्लीज, नहीं पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस तो इसकी वायर की रेजिस्टेंस तो पता है पर लेंथ नहीं पता। तो यहां तो फिर आंसर कैसे आएगा, हंड्रेड तो नहीं, 1 मीटर लेंगे, 0.6 मीटर चल रहा है ना, 1 मीटर लेना चाहिए। फिर एक बार चेक करना प्लीज, अगर मैं इसे 1 मीटर लूं, वैसे बनता तो नहीं है, 1 मीटर जरूरी तो नहीं होता, ये कोई मीटर भी थोड़ी ना है, पर इससे अंदाजा हो रहा है मुझे, 0.6 आ रहा है तो 1 मीटर ही होती होगी। एक मिनट अंदाजा से करते हैं चलो। तो 6×10⁻³ इज इक्वल टू 2/R+5, और रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 0.6 क्या होगी, 1 मीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, 5, तो 0.6 मीटर की कितनी है, 5×0.6। तो प्लीज एक बार सॉल्व करके बताना जरा आर क्या आ रहा है, चेक करो। ठीक है आंसर आ गया, तो प्लीज इसमें करेक्शन कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्शन, दैट गिवन लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 1 मीटर, जो गिवन नहीं है इसे गिवन कर लो प्लीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, ओके 7th,
देखो कुछ इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपके पास एक पोटेंशियोमीटर गिवन है, ये पोटेंशियोमीटर और ये पोटेंशियोमीटर की वायर है, राइट। पोटेंशियोमीटर का करंट तो पोटेंशियोमीटर में से ही जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। पोटेंशियोमीटर का करंट पोटेंशियोमीटर में से जाएगा। नीचे आप एक बैटरी मान लो 10 वोल्ट की मेजर कर रहे हो, ईएमएफ कंपेयर करना चाहते हो, 10 और 5, हम हाईएस्ट वैल्यू के साथ काम करते हैं, 10 के साथ मेजरमेंट होगी तो 5 तो अपने आप ही हो जाएगा, अगर ये 10 को मेजर कर गया तो 5 भी कर देगा। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा ना, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, वो 10 वोल्ट से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर ये भी, अगर मान लो ये 9 वोल्ट होता है, मान लो एक पोटेंशियोमीटर सिर्फ 9 वोल्ट ही डेवलप कर पाता है, नीचे बैटरी 10 वोल्ट की है, तो बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ जाएगा, हवा में थोड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब अगर ये 10 है तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 आएगा, राइट। तो यहाँ पर ऑब्वियस 10 से ज़्यादा ही आएगा ना, तो ये वायर की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये 10 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट मेजर कर सके, तभी ये नीचे बैटरी 10 वोल्ट को कंपेयर कर पाएगा, नहीं तो कर नहीं पाएगा। पता लगे इसकी वायर की कैपेसिटी 10 वोल्ट की और आप मेजर कर रहे हो 100 वोल्ट की बैटरी, फिर ये मेजर नहीं करेगा, बैलेंसिंग लेंथ आएगी नहीं, ऐसे इसका मतलब, ठीक। तो इसका आंसर बी है इसका। ओके, ऑब्जेक्टिव शीट 36 क्लोज। 37 ओके, देखो ऑब्जेक्टिव शीट 37। ऑब्जेक्टिव शीट 37 बोलो, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें ना प्लीज एक अजम्पशन करो कि ए ग्रेटर देन एक्स, ये गिवन नहीं है, ऐसे गिवन करो, राइट। ए ग्रेटर देन एक्स, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर सपोज ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है जैसा कि इसमें मेंशनड है, ये लो, और सच दैट एक बीच में भी रेजिस्टेंस है, ये एक्स है, ये रेजिस्टेंस ए है, ये बी है और ये वाई है, तो इसके अंदर ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट डी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सपोज करो इसमें करंट जा रहा है I1 और इसमें करंट जा रहा है I2, तो वी सी माइनस वी ए की वैल्यू आएगी I1 इंटू ए, और ऐसी वी सी माइनस वी बी की वैल्यू क्या आएगी, I2 इंटू कितना, एक्स, ठीक है यहाँ तक। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ से अगर आप कंपेयर करो, या इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने बोला कि ए की रेजिस्टेंस एक्स से बड़ी है तो I1 का करंट I2 से छोटा होगा, क्योंकि जो बड़ी रेजिस्टेंस होती है ये एक्स छोटा है, इसमें उसमें ज़्यादा करंट जाएगा, और अगर ज़्यादा करंट नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली फिर यहाँ और यहाँ भी जाएगा, तो करंट बी से कहाँ जाएगा, ए पे जाएगा। आपको ये बताना है कि करंट बी से ए जाएगा या ए से बी पे जाएगा, तो जंक्शन पे ये डिवाइड करके देख लो कि रेजिस्टेंस कहाँ पे बड़ी है कहाँ पर छोटी है, तो हर जंक्शन पे इस तरीके से आप रूल लगाते जाओ, जहाँ बड़ी रेजिस्टेंस है वहाँ छोटा करंट है, तो वहीं से अंदाजा हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा, ठीक।
ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और कोई 4, 5, 6 में से? ओके, 7। सेवेंथ के अंदर क्वेश्चन है कि टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन टू गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज। टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन टू गैप्स ऑफ मीटर ब्रिज। बैलेंस पॉइंट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम जीरो एंड। तो दो रेजिस्टेंसेस हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें दो गैप में डाल दिया और बैलेंसिंग पॉइंट 20 है, राइट। रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद स्मॉलर ऑफ द टू। तो अब वो कह रहे हैं कि द नल पॉइंट शिफ्ट टू 40, द वैल्यू ऑफ स्मॉलर रेजिस्टेंस इन ओम विल बी इक्वल टू व्हाट। तो दो रेजिस्टेंस ले लेते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस है और एक नोन रेजिस्टेंस है। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि एक काम करते हैं, चलो एक स्मॉलर रेजिस्टेंस है और एक बड़ी रेजिस्टेंस है। तो स्मॉलर रेजिस्टेंस एस है और आपको इसमें क्या गिवन है, 15 ओम इज कनेक्टेड विद द स्मॉलर ऑफ द टू। नहीं, मैं बोल कुछ कह नहीं सकता इसमें यार, दो एंड हैं। चलो छोड़ो यार, ये एक्स ले लो और ये आर ले लो और नीचे बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगी, कितने सेंटीमीटर है, 20। तो यहाँ पर कितनी आएगी, 80। तो मेरे हिसाब से तो एक्स बाई आर इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 80। हो गया बैलेंस। फिर वो कह रहा है कि इसके अंदर आपने 15 ओम को सीरीज में लगा दिया स्मॉलर के साथ। अब मुझे पता नहीं यार एक्स और आर में से कौन स्मॉलर कौन ग्रेटर, की पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा, कैसे? फोर एक्स? नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्स और आर में से कौन बड़ा कौन छोटा है। एक्स क्यों छोटा है? हाँ, रेशियो से बोल रहे हो? अच्छा, इस रेशियो से बोल रहे हो कि रेशियो से आर एक्स की वैल्यू छोटी है। ओके, हाँ, तो एक्स की वैल्यू छोटी है तो एक्स के साथ हमने 15 ओम लगा दिया अगली बार और फिर आर के साथ ज्वाइन किया। इस बार बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई, 40। तो ये 60। तो एक्स प्लस 15 बाय आर इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 60। अब जरा प्लीज सॉल्व करना इन्हें, इसे सॉल्व करके निकालना जरा एक्स और आर कितना आ रहा है, वेरीफाई कर लो जरा। मुझे पता नहीं इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, 9 आंसर आ गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हो गए, 8, 9, 10, 11 और 12। इलेवन, इन द शोन अरेंजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ मीटर ब्रिज, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको एक डायग्राम गिवन है, R1, R2 दिख रहा है, इसमें X दिख रहा है और इफ AC कॉरस्पॉन्डिंग टू नल डिफ्लेक्शन, मतलब बैलेंसिंग पॉइंट है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द वायर इफ AB इज डबल्ड। तो अगर मैं, वो कह रहा है कि व्हाट वुड इट्स वैल्यू इफ रेडियस ऑफ द वायर AB इज डबल्ड। मेरे को लगता है कि जो बैलेंसिंग लेंथ है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है ही नहीं, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ जो है वो एक्स और ऊपर की जो रेजिस्टेंस है एक्स और वाई के प्रोपोर्शनल है। उसमें वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आ नहीं रहा, अगर आता भी है तो ऑब्वियसली रेशियो की वजह से कैंसिल हो जाता है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, वायर को बड़ा करो छोटा करो एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर एक्स ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, थर्टी सेवन के बाद शीट नंबर 38।
देखो शीट नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 1-2 वन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस इन रेजिस्टर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में याद रखना जो थर्मल एनर्जी होती है एच या यू कुछ भी बोल सकते हो इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होती है। तो यू इज प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर, पैराबोला ही बन सकता है और कोई तरीका ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यू और आई का ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड, 3, ओके 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो ये कह रहा है टू बल्ब्स ऑफ वॉटेज 25 वॉट्स एंड 100 वॉट्स ठीक ईच आर रेटेड 220 वोल्ट। तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहां से रेजिस्टेंस निकाल लेना, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, वी का स्क्वायर बाय पी, ऐसी इज इक्वल टू वी का स्क्वायर बाय पी। तो यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, आर वन की वैल्यू कितनी आ रही है 1936 और आर टू की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है कोई 484 ओम्स। आर वन आर टू आ गया। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर 220 वोल्ट पे ये कनेक्ट किया गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मुझको मालूम है, तो मैं यहाँ से अगर मैं करंट की बात करता हूँ कि इसका सेफ करंट क्या है, सेफ करंट का मतलब जितना ये टॉलरेट कर पाएगा उसको सेफ करंट बोलते हैं। इसका जो सेफ करंट आएगा 220 डिवाइडेड बाई 1936 आएगा, जिसको सॉल्व करके 0.11 एम्पियर आ रहा है। ऐसी इस सेकेंड बल्ब का जो सेफ करंट है, सेफ करंट इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 484 और जो कि सॉल्व करके कितना आ रहा है 0.48 एम्पियर आ रहा है। ये सेफ करंट है। सेफ करंट का मतलब कि बस इससे ऊपर एक्सीड हुआ नहीं कि बल्ब फ्यूज हुआ नहीं, बस ये लास्ट वैल्यू है जो वो मैक्सिमम करंट है। ठीक है यहां तक। फिर वो कह रहे हैं कि इसको तो हमने दोनों को लगा दिया सीरीज में, तो जब दोनों बल्ब्स को अब सीरीज में लगाया विद रेजिस्टेंस ऑफ आर वन एंड आर टू एंड कनेक्टेड बाय 440 वोल्ट, आर वन की वैल्यू इज 1936 ओम एंड ऐसी आर टू की वैल्यू इज इक्वल टू 484। तो अब इसमें करंट इन दोनों बल्ब में कितना जाएगा, 440 डिवाइडेड बाय 1936 प्लस 484। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है कोई 0.18 एम्पियर का आंसर आ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, सीरीज में कितना करंट आपने पास कर दिया 0.18 का, ये बेचारा कितना टॉलरेट कर पाता था 0.11, आपने ज्यादा दे दिया, कौन उड़ेगा, 25 वॉट उड़ जाएगा, आंसर 25 वॉट, 25 वॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद फोर भी है. ओके देखो क्वेश्चन नंबर फोर में 100 वॉट का बल्ब है एंड वर्किंग एट 200 वोल्ट 200 वोल्ट है एंड 200 वॉट का बल्ब है एक और बल्ब है 200 वॉट का बल्ब है 100 वोल्ट हैव मैक्सिमम करंट रेटिंग आपको इसमें बतानी है. तो इसमें P इज इक्वल टू V इन टू I से P इज इक्वल टू V इन टू I से करंट आ जाएगा तो इसका करंट I1 आएगा इसका I2 आएगा डिवाइड कर लो मेरे को लगता है बस खत्म. आपसे मैच नहीं कर रहा करना प्लीज एक बार ट्राई. चेक करो इसका करंट आ रहा है पी डिवाइडेड बाई 200 यानी कि आई वन की वैल्यू आ रही है 1:2 और इसका आ रहा है पी डिवाइडेड बाई 100 तो 2 हमने निकालना है आई वन इज टू आई टू 1:2 बाई 2 1:4 ऐसा कुछ है. क्वेश्चन नंबर 5-6 हो गया हो गए थे 5-6-7-8 नहीं हुआ. ठीक है यहां तक नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8th में टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल. सेम मटेरियल का मतलब है कि इनकी जो डेंसिटी है और जो रो है वो एग्जैक्टली सेम है. डेंसिटी यानी कि रेजिस्टिविटी भी सेम है. ठीक है डेंसिटी भी सेम है और रेजिस्टिविटी भी सेम है मटेरियल सेम. लेंथ की रेशियो आपको गिवन है कितनी 1:2. किसी सोर्स से इनको कनेक्ट किया द रेट ऑफ डिसिपेशन इन बी इज फाउंड टू बी 5 वॉट. तो बी के अंदर एक वायर ए है एक बी है तो ये लेंथ की रेशियो एल ए और एल बी लेते हैं. तो आपको ये गिवन है कि रेट ऑफ डिसिपेशन बी के अंदर जो पावर है वो 5 वॉट है. आपको निकालना है ए की पावर क्या होगी. ये क्वेश्चन हुआ ना. तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आती है जो पावर है दैट इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर और ऑब्वियसली सेम कांस्टेंट वोल्टेज भी इनको अप्लाई किया होगा तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. ठीक है यहां तक. रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है रो एल बाय ए. जो रेजिस्टेंस है दैट इज रो एल बाय ए पर रो इज अ कांस्टेंट तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड ए. ठीक है यहां तक. अच्छा नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एरिया. एक काम करते हैं
इसको एल से मल्टीप्लाई एल से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से लेंथ का स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय क्या जाएगा? वॉल्यूम। सही है, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम। एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम, इसको ना डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो एंड डेंसिटी से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है? मास। अब मुझे पता है कि मेरे इस क्वेश्चन में ये दोनों चीजें दोनों वायर्स के लिए क्या है? सेम। तो रेजिस्टेंस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल? लेंथ के स्क्वायर के, मेरा ये रिलेशन। तो पावर ए की या पावर इज प्रोपोर्शनल टू आर की जगह एल का स्क्वायर, तो पावर ए पावर बी इज एल बी स्क्वायर बाय एल ए स्क्वायर। ठीक है यहां तक? तो आंसर निकाल लेना यहां से। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8th 9th 9th तक, ठीक, क्लोज 10th। अच्छा और भी है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर ओके 10th भी है। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर आ गया। मेरे को लगता है कि इसका आंसर लेस देन आना चाहिए 25 वॉट। बताता हूँ, मोर देन आ रहा है, ऐसा क्यों? अच्छा एक मिनट, एक क्वेश्चन पढ़ लूँ एक बार, उसका डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th प्लीज, मैं चेक करता हूँ एक मिनट। मैं एक मिनट क्वेश्चन बना दूं, फिर उसके बाद फिर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। इफ रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, वो कह रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू ना टेम्परेचर के साथ मैं क्या कर रहा हूं? इंक्रीज। जबकि मैं हर क्वेश्चन में अपने रेजिस्टेंस को हमेशा क्या मानता हूं? कॉन्स्टेंट। चलो एक मिनट के लिए, अगर रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है हमेशा की तरह, चेंज नहीं होती, और वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट है और पावर की वैल्यू यहाँ पर 100 वॉट है, तो यहाँ से अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जाए तो पी वी स्क्वायर बाय क्या आएगी? पी। ठीक, यानी कि 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी कितना है? 100। तो रेजिस्टेंस सॉल्व करके ना 25, नहीं मैंने कुछ गलत किया इसमें, नहीं ठीक किया, तो इसमें जो वैल्यू आ रही है रेजिस्टेंस की, जो बस वैल्यू आ जाएगी जो भी आएगी, वी स्क्वायर बाई पी, 484। ओके, ये रेजिस्टेंस आ गई। अब वो कह रहे हैं कि इसको 110 पे लगा दो, मतलब 110 वोल्ट पे लगा दो, तो 110 वोल्ट पे जो पावर होगी वी स्क्वायर बाई आर, तो पावर इज इक्वल टू 110 का स्क्वायर बाय 484, जो कि सॉल्व करके 25 वॉट आ रही है। ठीक है, क्लियर है? तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 25 वॉट है अगर रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू को चेंज ना करे हमेशा की तरह। पर उसने कहा टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज, जिससे कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो आंसर 25 वॉट से क्या आएगा? कम आएगा। ठीक है ना? तो मैं ऐसे सोच रहा हूं कि 484 से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाएगी रेजिस्टेंस, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पावर कम आएगी, तो 25 वॉट से कम आंसर आना चाहिए।
मेरे हिसाब से इसको करेक्शन करना चाहिए, इसका आंसर बी आ रहा है सी की जगह। क्वेश्चन नंबर 11 डाउट है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको क्या गिवन है, टू बल्ब्स कंज्यूम सेम पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 200 एंड 300 वोल्ट। तो ये 200 वोल्ट है और ये 300 वोल्ट है, और पावर की वैल्यू वो कह रहा है एग्जैक्टली क्या है दोनों में, सेम। तो पावर यानी कि इस क्वेश्चन में क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। व्हेन दीज बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 500 वोल्ट, पर उससे पहले काम करते हैं, जो पावर होती है वो क्या होती है, वी स्क्वायर बाय आर। आर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय पी, पी इज अ कॉन्स्टेंट। तो आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर बाय वी टू स्क्वायर। तो वी वन का मतलब है 200 का स्क्वायर और वी टू का मतलब क्या है, 300 का स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करके 4:9 रेजिस्टेंस की रेशियो आ गई। अब वो ये कह रहे कि अगर मैं इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दूं, सीरीज में कनेक्ट कर दूं, तो उस केस में पावर की रेशियो क्या होगी, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर मैं इन दो बल्ब्स हैं, बल्ब बोल देते हैं इन्हें, सीरीज में कनेक्ट किया विद अ बैटरी ऑफ 500 वोल्ट, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है आर वन, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है आर टू, सीरीज में क्या चीज सेम रहेगी, करंट। तो अब नई पावर जो इसकी आएगी उसकी जो रेशियो होगी वो आई स्क्वायर इंटू आर वन एंड यहां से आई स्क्वायर इंटू आर टू, दैट इज आर वन डिवाइडेड बाय आर टू। आर वन आर टू की रेशियो हमारे पास ऑलरेडी है 4:9, तो ऑप्शन नंबर आ रहा है सी, बस पावर की रेशियो आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्लोज हो गई असाइनमेंट, ओके 38 भी क्लोज करते हैं। शीट नंबर 39, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 39, फर्स्ट, ओके। ये ना फैक्ट है, इसमें तो कुछ कर नहीं पाएंगे मानव ज्यादा। व्हेन द इलेक्ट्रिक हीटर इज स्विच्ड ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, तो करंट और टाइम का प्लॉट हमने प्लॉट किया इसमें। टेकिंग इनटू द अकाउंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेंपरेचर, रेजिस्टेंस बढ़ेगी टाइम के साथ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द रिजल्टिंग कर्व। तो होता क्या है कि पहले करंट ना ड्रास्टिकली एकदम बढ़ता है, तो ये करंट है और ये टाइम है, एक वायर में जब करंट जाएगा वो बढ़ेगा ऑन करते ही, अब उसके बाद क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी टेम्परेचर के साथ, और उसके बाद एकदम होने के बाद वो एकदम स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा और एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव करेगा। तो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन ही रहेगा, पहले एकदम शार्प इंक्रीज होता है, उस पर स्टेडी करंट आ जाता है, तो बी ऑप्शन याद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर टू, ओके क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर अ कॉन्स्टेंट करंट इज पास थ्रू रेजिस्टर, तो करंट इज अ कॉन्स्टेंट,
टेकिंग टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टू द अकाउंट, तो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको याद है, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता था, अल्फा. इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी इन अ रेजिस्टर. तो मुझे पता है कि अगर ऐसा लेना है तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो मुझे कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, वे डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, राइट. तो इसमें जो U की वैल्यू है दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टाइम टी. टी यहां पर क्या स्टैंड करता है, टाइम. तो U की वैल्यू करंट की जगह आई स्क्वायर विच इज अ कॉन्स्टेंट उसने कहा, R की जगह R नॉट स्क्वायर और आई वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर इंटू टाइम टी. U की वैल्यू आ गई, ठीक. मुझे किसका ग्राफ प्लॉट करना है, डी यू बाई डी टी का. तो एक काम करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ यू, यू इज आई स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर इंटू टाइम टी. तो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी ऑफ वन, सॉरी ये भी बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है, वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर, क्योंकि टाइम के साथ इसकी डिफरेंशिएशन है जो कि क्या हो जाएगी, वन. किसका, ओ सॉरी मैंने आर का भी स्क्वायर कर दिया, आई एम सॉरी, आर का स्क्वायर नहीं होगा, आई एम सॉरी, आई स्क्वायर आर होगा, सॉरी. ठीक है, तो यहीं तक चलने तो कोई बात नहीं, आई स्क्वायर इंटू आर नॉट इंटू वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी और डी टी बाई डी टी यहां से क्या हो जाएगा, वन, राइट. ठीक है, तो यहां से मेरे पास डी यू बाई डी टी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आई स्क्वायर आर नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी. अब इस केस में मेरे को करना क्या है, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है. किसका, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है डी यू बाई डी टी का, डी यू बाई डी टी का वर्सेस क्या गिवन है, असाइनमेंट में चेक करना, स्मॉल टी, स्मॉल टी गलत है, उसको डेल्टा टी होना चाहिए, इट शुड बी डेल्टा टी, क्योंकि स्मॉल टी तो इंडिपेंडेंट हो गया ना. अगर स्मॉल टी होगा तो दिस टर्म इज अ कॉन्स्टेंट, क्योंकि इनमें से कोई चीज चेंज नहीं हो रही, तो स्टडी करंट स्टडी ग्राफ आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, लेकिन इसके अंदर इट शुड बी डेल्टा टी. अब देखो, अब मैथ्स वाले लोग जानते हैं कि इसको अगर ओपन करेंगे तो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर नॉट इज अ कॉन्स्टेंट और आई स्क्वायर आर नॉट इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी. तो इसको कंपेयर करेंगे, ये वाई एक्सिस है, ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, ये y एक्सिस की टर्म है, ये x एक्सिस की टर्म है, तो आपको ऐसा ही लगता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन आ रही है, स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से पास नहीं करेगी, इंटरसेप्ट फॉर्म है. तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो d ग्राफ बनेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, यहाँ से स्टार्ट होती हुई पॉजिटिव स्लोप है, बाकी सबके नेगेटिव स्लोप है, और a ग्राफ हो नहीं सकता ओरिजिन से पास कर रहा है, तो d ग्राफ बनेगा. ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री. थ्री तो डाउट होना चाहिए, हो गया डाउट, हो गया डाउट.
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थ्री, इलेक्ट्रिक बल्ब 50 वॉट एंड 100 वोल्ट। देखो सबसे पहले एक काम करना है, इसमें से पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लगा के, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पावर लगा के, वी का स्क्वायर 100 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू 50 है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी आ रही है, कितनी 200 ओम। ओके हाँ, ये रेजिस्टेंस आ जाएगी, ये तो निकालनी निकालनी होती है। अब आगे चलते हैं, वो कह रहे हैं ग्लोइंग एट फुल पावर आर यूज इन पैरेलल विद अ बैटरी ऑफ 120 वोल्ट एंड 10 ओम रेजिस्टेंस। अब वो कह रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब है ग्लोइंग एट फुल पावर, पैरेलल के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया विद अ बैटरी ऑफ 120 वोल्ट एंड 10 ओम, मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब दैट कैन बी कनेक्टेड। वो कह रहे हैं एक ने किया ऐसे रेजिस्टेंस के, मैंने पता नहीं कितने ही बल्ब कनेक्ट कर दिए, तो ऐसे रेजिस्टेंस के मैंने पता नहीं कितने ही बल्ब इस तरीके से कनेक्ट किए, कुछ ऐसे एन बल्ब्स हैं, कितने वोल्ट के साथ 120 वोल्ट के साथ, हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ कितनी 10 ओम, यही है ना। तो कह रहे अब पावर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे चाहे मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, मुझे इस केस में पावर अभी भी क्या चाहिए, फुल चाहिए, आखिरी लाइन लिखी हुई है ना फुल पावर, और इसके अंदर भी यही था फुल पावर। ठीक, अगर पावर फुल चाहिए तो यहां से पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, आई इज इक्वल टू पी बाय वी, पी की वैल्यू है इसमें 50 और वी कितना है 100, तो उसमें करंट फुल पावर अगर 50 वॉट चाहिए तो करंट कितना चाहिए होगा हर को, हाफ एम्पियर, हाफ एम्पियर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अगर आपको पूरी पावर चाहिए तो करंट आपको देना पड़ेगा एक बल्ब को आधा एम्पियर। अब आप जब पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो करंट तो डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन आप क्या चाहते हो कि करंट क्या है, हाफ एम्पियर। ठीक, तो इस केस में, इस केस में जो करंट है, मैं ये चाहता हूं कि इस बैटरी से करंट कितना निकले, हाफ एम्पियर, नहीं, अगर मैंने हाफ एम्पियर दिया वो तो एन में डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो फुल पावर शो नहीं करेंगे। तो मैं काम करता हूं, कितने बल्ब हैं, एन, तो मैं एन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसमें अगर बैटरी इतना करंट देगी तो हाफ हाफ करके सब में चला जाएगा, एन है ना, सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो फुल पावर आ जाएगी। तो करंट आ गया मेरे पास, तो करंट की वैल्यू इतनी इज इक्वल टू, करंट होता क्या है, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज सम ऑफ इंटरनल, और ये 200 200 200 ओम के रेजिस्टर लगे हुए हैं, कितने, एन, तो यहां पर क्या आएगी 200 बाय एन, टोटल रेजिस्टेंस आएगी 1 बाय 200 1 बाय 200 1 बाय 200 करके, तो एक्सटर्नल कितनी आएगी, इतनी, यहां से एन निकाल लेना आंसर। ठीक, तो यहां से एन कैन बी कैलकुलेट। वही बात होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। सिक्स सब क्लियर है, 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, सपोज आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं, ये लो 5 ओम 4 ओम 6 ओम, और ये यहां से करंट आ रहा है कुछ इस तरीके से, तो आपको इसमें निकालना है कि द हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 ओम रेजिस्टर, इसमें
हीट प्रोड्यूस आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 कैलोरीज पर सेकेंड, पावर ही गिवन है एक तरीके की, पावर लगा लो। तो हीट प्रोड्यूस इन 4 ओम रेजिस्टेंस आपको निकालनी है। पहले 4 और 6 किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो आंसर आएगा 10, 10 ये 5, ठीक, ये आए 1, ये आए 2, तो ऑब्वियसली ये आए 1, ये आए 2 और ये आए, ठीक है यहाँ तक। अब मेरे को ये चीज़ पता है कि इसमें जो पावर है कितनी होगी, I1 square into R, और इसमें कितनी होगी, I2 square into R। तो यहाँ पर जो पावर की, या एक काम करते हैं, V इनमें सेम रहेगा, पैरल है, एक काम करते हैं पहले करंट की रेशियो निकालते हैं, I1 into 10 is equal to I2 into कितना 5, तो I1 by I2 की रेशियो यहाँ से आ जाएगी 5 by 10, यानी कि 1 by 2 एम्पियर, ठीक। तो करंट की रेशियो कितनी आ गई, 1 by 2 एम्पियर। अच्छा मान लो इसमें इसमें पावर कितनी जनरेट हुई, P1, इसमें कितनी हुई, P2, तो बोलो P1 की वैल्यू क्या होगी, I1 square into 4, और ऐसी P2 की वैल्यू क्या होगी नीचे से, I2 square into कितना 5, P1 by P2 is equal to I1 square into 4 divided by I2 square into 5। तो यहां से आपके पास करंट P1 की वैल्यू आपने निकालनी है, पावर P2 10 गिवन है, I1 I2 की रेशियो आपको 1:2 गिवन है, और into 4 by 5, तो यहां से P1 कैन बी कैलकुलेटेड। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, ये कैटल वाला क्वेश्चन शायद किया हुआ है हमने 10 मिनट्स, कैटल वाला क्लास में किया था। क्वेश्चन नंबर 11 एंड जो भी 9th एंड 10th द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर वाला, ओके 10th क्वेश्चन देखो प्लीज, 10th रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज 110 ओम, 110 ओम, एंड रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये लो इस हीटर के साथ एक रेजिस्टर आर हमने पैरेलल में लगा दिया, एंड कॉम्बिनेशन इज जॉइंड 11 ओम इन सीरीज एंड इज फर्दर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। ये डायग्राम सबको क्लियर है, पढ़ने पे ये डायग्राम बनता है इसका। क्वेश्चन में गिवन है जो हीटर है, हीटर की ना पावर गिवन है, पावर कितनी गिवन है, 110 वॉट्स की पावर गिवन है। अच्छा हीटर की पावर गिवन है, हीटर की रेजिस्टेंस गिवन है, तो हीटर का करंट आ जाएगा P/V, 1 एम्पियर। तो हीटर में करंट कितना आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है। हीटर की वोल्टेज भी आ जाएगी यहां से, पावर गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो पावर इज इक्वल टू V² / R, मतलब V का स्क्वायर इज इक्वल टू P × R। तो रेजिस्टेंस गिवन है, और V की वैल्यू चेक करना कितनी आ रही है इसमें, 110। V जब सॉल्व करोगे 110 वोल्ट आ रहा है। अब
हीटर में 110 है तो नीचे भी 110 है, क्योंकि किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, ठीक है ना। तो पावर के फॉर्मूले से करंट भी आ गया ऊपर वाली वायर का, और पावर के फॉर्मूले से वी भी आ गया, ठीक। अच्छा, अगर ये 220 है और ये कितने है? 110 है, तो बचा हुआ वोल्ट इसको मिल गया कितना, 110, 110, 110, 220। अगर ये 110 है, ये 11 है, तो बोलो इसमें करंट कितना जाएगा, 110/11 कितना, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। अच्छा बताओ, इसमें करंट आ रहा है 10 एम्पियर, इसमें कितना है, एक, तो फिर बताओ इसमें कितना जा रहा होगा। या ऐसे कर सकते हैं, चलो टोटल करंट यहां से आ रहा होगा 10, क्योंकि ये 10 है तो घूम के यहां पर भी क्या आएगा, 10 ही आएगा, 10 में से एक इधर चला गया, तो सॉरी इधर से जाएगा ऊपर कितना, 9। अगर ये 9 है और वोल्टेज इसकी पता है, तो इसमें बोलो इसमें निकालना क्या है, इसमें हमने आर निकालना है, ओम लॉ लगा लेते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू आर। आंसर, ओके, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्जेक्टिव शीट अगेन 39 का। तो इफ सेल ऑफ, एक काम करते हैं, ये एक सर्किट आपको गिवन है, ये मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये 2 ओम है, दिस इज 1 ओम, दिस इज पॉइंट सी, पॉइंट बी, और यहाँ पर करंट गिवन है ऑलरेडी 5 एम्पियर, यहाँ का मुझे पता नहीं, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, इस बैटरी की पावर मुझे गिवन है, इस बैटरी की पावर कितनी गिवन है मुझे, 10 वॉट। देखो इस क्वेश्चन में पावर पता है, इसका क्या पता है, 5 वोल्ट वी पता है, तो करंट आ जाएगा P डिवाइडेड बाय V, यानी कि 10/5, यानी कि
2 एम्पियर। तो ये यहां से कितने एम्पियर करंट निकाल रहा है? 2 एम्पियर। तो इसमें कितना हो गया? 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर, ये 5 एम्पियर, तो ये कितना? 7 एम्पियर। बोलो क्या निकालना है इसमें? आपको निकालना है पावर की वैल्यू रेजिस्टर्स में क्या होगी। इसमें लगाओ आई स्क्वायर आर, इसमें भी लगाओ आई स्क्वायर आर, निकाल लो जो पावर निकालनी है, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। इसमें ये बैटरी से निकाल दिया, बैटरी ने 2 एम्पियर दिया तो वापस भी 2 एम्पियर आएगा ना इसके। कोई बात नहीं, वो अज्यूम्ड होता है, करेक्ट कर दिया जाएगा तो भी आंसर सेम ही रहता है उसमें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 40, लास्ट शीट। पावर आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपके पास एक बैटरी है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे कुछ गिवन है। तो आपको इसमें क्या गिवन है कि इसमें वो कह रहे हैं इसमें स्लाइड करते हैं और इसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। कह रहा है एट एनी इंस्टेंट करंट इसमें पूरे सर्किट में आए है, करंट इसमें आए है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी सेल इज वी। तो यहाँ पर ई नहीं है, ई की जगह वी होगा, सबको मालूम है कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो जो भी इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है इसमें स्मॉल आर, तो ये ई नहीं शो करेगा, वी करेगा। फिर वो कह रहा है थर्मल पावर जनरेटेड इन सेल, सेल में जो हीट जनरेट होगी थर्मल पावर, सेल की हीट जनरेटेड क्या होगी? बोलो जो सेल है उसकी थर्मल पावर क्या होगी? सेल के अंदर करंट और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें थर्मल पावर होगी आई स्क्वायर बड़ा आर, इसमें होगी आई स्क्वायर छोटा आर। तो वो कह रहे हैं थर्मल पावर जनरेटेड इज इक्वल टू, तो जो भी आई स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू ईटा टाइम्स टोटल इलेक्ट्रिक पावर, पावर जनरेटेड इन इट। टोटल इलेक्ट्रिक पावर क्या जनरेट करेगी बैटरी? ईएमएफ इंटू आई, इनटू आई, ये भी गिवन है हमें। और अलग अलग तरीके के ग्राफ मुझे प्लॉट करने हैं इसमें। सबसे पहले ये बताओ कि इसमें V क्या जनरेट होगा बैटरी में? बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है? E माइनस IR। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं किसका? V का एंड करंट I का, तो सबको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, तो इसका जो जो ऑप्शन है वो स्ट्रेट लाइन होगा, और इसका ए ऑप्शन तो बन ही गया फिर, और वो भी नेगेटिव स्लोप के साथ है वी और आई इस तरीके से। मैथ वाले लोग जानते हैं अगर ये प्लस होता तो ग्राफ ऊपर जाता है, माइनस है तो नीचे आ रहा है, तो ए ऑप्शन तो है ही है इसका। नेक्स्ट, अब पावर के बारे में भी कुछ पूछ रहा है वो, पावर की वैल्यू क्या होगी? देखो पावर, पावर इज इक्वल टू, देखो टोटल पावर बैटरी कितनी जनरेट करेगी, बैटरी पावर कितनी जनरेट करेगी? ई इंटू आई, पर उसमें से कुछ क्या हो जाएगा इसका? वेस्ट हो जाएगा। तो नेट बाहर पावर कितनी आएगी? टोटल पावर जनरेटेड माइनस आई स्क्वायर इनटू आर। तो यहां से पी इज इक्वल टू, यहां से अगर आप आई 2 मिनट कॉमन निकाल लो तो पता है क्या बचेगा? ये रहा, आप इसको सीधा भी लिख सकते थे टोटल पावर को, पावर जनरेटेड बाय बैटरी को क्या लिख सकते हैं? वी इंटू आई, और वी क्या होता है? ई माइनस आई आर, क्योंकि बैटरी चलती हुई तो वी देगी ना, ई तो देगी नहीं, तो पावर आउटपुट कितनी आ रही है? वी इंटू आई, लेकिन टोटल पावर जनरेटेड कितनी है? ई इंटू आई, टोटल पावर ई इंटू आई, लेकिन बाहर ई इंटू आई आ नहीं पाती, वेस्ट हो जाती है आई स्क्वायर आर की वजह से। तो ये ठीक, अब मेरे को ग्राफ किसका किसका बनाना है? मुझे ग्राफ बनाना है पावर का, चेक करो, मुझे ग्राफ बनाना है पी फॉर पावर एंड करंट। तो इसमें पावर
एंड करंट का अगर ग्राफ बनाना है तो पता लग रहा है कि पैराबोला ही बन सकता है, आई स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसका जो ग्राफ है वो पैराबोला बनेगा, बी ऑप्शन भी करेक्ट है ठीक। और इसके अंदर ये लास्ट देखो, यहां से आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू ई इंटू आई मुझे गिवन है, तो यहां से आई इंटू आर इज इक्वल टू ईटा इंटू ई की वैल्यू आ गई, ईटा की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई, तो ईटा और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज ग्राफ इज नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ए एंड बी ही आंसर है इसका। इन्हें गिवन है टोटल पावर जनरेटेड, वो कह रहे हैं ईटा इंटू थर्मल पावर इज ईटा इंटू वो है ना टोटल पावर जनरेटेड, क्वेश्चन में गिवन है। ओके क्वेश्चन नंबर टू थ्री टू, टू आइडेंटिकल लैंप्स मार्क्ड 500 वॉट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड जॉइंट टू 110 वोल्ट लाइन। तो सबसे पहले 110 लाइन के साथ इसे कनेक्ट किया दो बल्ब्स को, अब दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो तो हम निकाल ही सकते हैं 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 500, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों की एग्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब ये 55 वोल्ट पे होगा तभी टोटल 110 आएगा। आपको क्या निकालना है, पावर कंज्यूम बाय ईच लैंप, तो निकाल लेना वी स्क्वायर बाय आर और वी स्क्वायर बाय आर, वी तो निकाल ही दिया मैंने आपको आंसर। हाँ जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थ्री फोर थर्ड, हाँ रेशो निकलेगी। देखो इसके अंदर ऐसा करना पड़ेगा, कि सपोज ये आपको 3R रेजिस्टेंस गिवन है, ये रेजिस्टेंस 6R की वैल्यू गिवन है और ये R है, तो सबसे पहले मान लो इसमें I1 प्लस I2 करंट गया, इसमें से इधर I1 चला गया और इधर I2 आ गया, ठीक है I को डिवाइड कर लिया,
अब वी की वैल्यू इन दोनों में सेम है तो आई वन इंटू थ्री आर इज इक्वल टू आई टू इंटू सिक्स आर, तो आई वन इज टू आई टू की रेशियो आ जाएगी 6/3 यानी कि 2। तो मैंने यहां से ये रेशियो निकाल ली। मैं इसमें पावर पी वन इसमें पावर पी टू की रेशियो तो निकाल ही सकता हूं, तो पी वन क्या होगा आई स्क्वायर इंटू आर और पी टू क्या होगा आई टू स्क्वायर और आर। तो यहां से पी वन इज टू पी टू की रेशियो जो आ गई आई वन आई टू, वैसे ये पावर से ज्यादा वी स्क्वायर बाय आर से ज्यादा आसान था वैसे, चलो कोई बात नहीं अब कर दिया तो कर दिया। आर वन की वैल्यू यहां पर क्या होगी 3R और आर टू की वैल्यू कितनी है इसमें 6R, तो ये 4 हो गया, ये 1/2 हो गया, तो कितना आ गया 2:1 आ गया। इन दोनों की पावर की रेशियो तो आ गई मेरे पास, ठीक है, और इसकी पावर की रेशियो होगी आई वन प्लस आई टू का स्क्वायर इंटू आर। अब दिक्कत यह है कि इन तीनों की रेशियो कैसी निकले, चलो किसी और तरीके से करके देखता हूं। सपोज ये है 3R, ये है 6R और ये कितना है, मान लो इसे V वोल्ट के साथ ही कनेक्ट कर दिया, इमेजिन कर लेते हैं, तो ये दोनों की जगह एक रेजिस्टर आ जाएगा कितना 2R, ये कितना आ जाएगा R, ये V हो गया, ठीक है। अब V इन दोनों में कैसे डिवाइड होगा, V1 एंड V2, ठीक है, तो इसमें V1 V2 के अंदर देखो क्या करेंगे, V1 V2 में इसमें करंट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तो मुझे पता है कि अगर करंट सेम है तो I की वैल्यू क्या बनेगी इसमें V1 डिवाइडेड बाय 2R और इसमें क्या बनेगी V2 डिवाइडेड बाय R, तो यहां से V1 एंड V2 की रेशियो आ जाएगी कितनी 2:1, ठीक। तो 2:1 में का मतलब क्या हुआ कि V1 इज इक्वल टू ट्वाइस हो गया, तो इट मींस कि अगर ये V है, ये V टोटल वोल्ट है और 2:1 में डिवाइड करना है तो 2/3 × V और 1/3 × V में डिवाइड हो जाएगा, सही है, रेशो प्रोपोर्शन लगा रहा हूं, तो इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी 2/3 V और इसकी कितनी हो जाएगी 1/3 V। इस वोल्टेज को यहां दे देते हैं 1/3 V और यहां पर दोनों के पास 2/3 V एंड 2/3 V, अब ठीक है, अब वी स्क्वायर बाय आर वी स्क्वायर बाय आर वी स्क्वायर बाय आर रेशियो निकाल लेना, वी से वी सब कैंसिल हो जाएगा, ये ज्यादा आसान है, करंट से नहीं होगा, वी से ज्यादा बेटर है। और कौन सा क्वेश्चन है डाउट, 3, 4, 5 फिफ्थ का आंसर ही नहीं आ रहा जो मुझे लगता है, करके देखते हैं, फिफ्थ का आंसर ना लेस देन 81 आ रहा है। रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट लैम्प इंक्रीज, ये वही क्वेश्चन है रेजिस्टेंस इंक्रीज विद टेम्परेचर वाला, थोड़ी देर जिसका आंसर लेस देन, वो करेक्शन करवाई थी मैंने उसकी भी, तो रेजिस्टेंस वो कह रहा है अब इंक्रीज हो रही है इसमें और लैंप है 100 वॉट का लैंप है एंड 220 वोल्ट की सप्लाई है, तो इसकी रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगी सॉल्व करके 484 ओम, ये आर की वैल्यू आ गई, राइट। वो कह रहा है इसको किसके साथ कनेक्ट किया हमने, 230 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया, और इस केस में लैंप रेटेड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट इज कनेक्टेड अबाउट 220, राइट, कनेक्ट किया, इफ वोल्टेज ड्रॉप्स बाई 10% देन पावर ऑफ द लैम्प विल बी इक्वल टू वॉट। देखो वो कह रहे हैं जो वोल्टेज है नई वोल्टेज वो 10% गिर गई तो 90% रह गई ऑफ, पहले कितनी थी 220,
जो कि सॉल्व करके आएगा 198 वोल्ट। ये केस नंबर टू है, ठीक। वोल्टेज गिर दी मैंने, अब मैंने कितने वोल्ट के साथ कनेक्ट किया, 198। तो अब इस केस में पावर की वैल्यू क्या आएगी, वी डैश स्क्वायर बाय आर, यानी कि 198 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 484। इसे सॉल्व करेंगे तो पावर आ रही है 81 वॉट, राइट। ये तो तब है जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है 484। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो पावर कम होगी, तो इट शुड बी लेस देन। तो ऑप्शन है नहीं, करेक्शन कर लेना इसकी, ये करेक्ट कर लेना, लेस देन 81 वॉट आएगा, ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको। पर रूल वही है जैसे थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 6 क्वेश्चन हो गया, डाउट है? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा है। इन दी फॉलोइंग सर्किट 18 ओम रेजिस्टर, इसमें पावर गिवन है आपको 12 जूल पर सेकेंड, यानी कि वॉट्स की पावर है। पावर डेवलप्ड अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस इज व्हाट, 10 ओम के रेजिस्टेंस में पावर कितनी है ये बतानी है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ का आई स्क्वायर आर करंट चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को पहले करंट की रेशियोज निकालनी पड़ेंगे। इसमें देखो, इसके अंदर पावर गिवन है और रेजिस्टेंस पता है, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इनटू आर। तो यहां से आप आई स्क्वायर आई तो निकाल ही सकते हो P बाय आर सॉल्व करके। यहां का आई वन करंट है, चलो आई वन करंट आ गया, ठीक है, कोई डाउट इसमें? आई वन करंट आ गया, और लेकिन आपको आपको इसमें आई चाहिए, चलो आई वन करंट आ गया, आई चाहिए, तो इसमें पावर कितनी है, पी वन है, ये पी वन कर लेते हैं, और ये पी टू है। तो मुझे पता है पी वन की वैल्यू क्या होगी, आई वन स्क्वायर इनटू आर, और P2 की वैल्यू यहां पर क्या होगी, I स्क्वायर इनटू R। तो P1 इज टू P2 की वैल्यू क्या आएगी, I1 स्क्वायर इनटू 18 डिवाइडेड बाय I स्क्वायर इनटू कितना, 10। आपको P1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 12, P2 निकालना है। तो अगर मैं आपको I1 और I की रेशियो बता दूं तो भी आंसर आ जाएगा, I1 I की रेशियो आ गई तो भी आंसर आएगा, अगर I बता दिया तो भी आंसर आएगा, ठीक। और मुझे ऊपर से तो कुछ गिवन है ही नहीं मेरे ख्याल से, चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसमें ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, एंड इस 10 ओम अगर मैं इन दोनों को पैरल में सीरीज में कनेक्ट करूं तो टोटल रेजिस्टेंस आ रही है कोई 6, 3, 9 ओम की। इन सबको सॉल्व करके ना 9 ओम आ रहा है, और नीचे कितने 18 ओम है ऐसे। अब यहां पे करंट आ रहा है आई, यहां पे कितना आ रहा है आई वन, तो सपोज यहां कितना चला गया आई टू, तो वी की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी सेम, तो आई वन इंटू 18 इज इक्वल टू आई टू इंटू कितना 9, ठीक है ना। तो यहां से आई वन एंड आई टू की रेशियो आ जाएगी 1:2, ठीक, आई इसकी रेशियो आ गई। लेकिन आई किसके इक्वल है, आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू। आई की वैल्यू जो है इसको अगर हम डिवाइड करें, हमें रेशियो किसकी चाहिए, आई और आई वन की, आई और आई वन की, आई टू में फिर गाड़ी फंस जाएगी,
पावर पता है, करंट पता है, तो वी निकाल लेते हैं फिर। चलो ऐसे करते हैं, यहाँ की पावर पता है 12, 12, यहाँ का करंट कितना था भी आया था, जो भी है करंट भी पता है हमें I1, तो हम ना यहाँ का V निकाल लेते हैं। चलो तो P इज इक्वल टू V1 इंटू I1, तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू P1 बाय I1, नीचे का V आ जाएगा, नीचे का V आ जाएगा तो ऊपर का V भी एग्जैक्टली सेम रहेगा। यहाँ पे V आ गया तो यहाँ का ओम लॉ से करंट I2 आ गया, I2 आ गया, I2 आ गया, I1 तो ऑलरेडी पता है तो I आ गया। आंसर कैसे आया? हाँ ऐसे कर लो, यहाँ I1 I2 में I1, ये भी सही है, करने की जरूरत ही नहीं है सच, जब I1 हमें पता ही है, ये भी सही है, जब मैं ऐसे कर रहा हूँ फालतू में, I1 हमें पता ही है वहाँ से, I1 तो आपने काल ही चुके थे ना, ये करने की जरूरत ही नहीं है आपको, I1 निकाल लिया था, यहाँ I1 को पुट कर दो, सही है, मैंने ध्यान नहीं दिया, I2 आ गया सीधा, बस I1 आ गया, I2 आ गया तो I आ गया, उसके बाद आंसर आ गया, मैंने अननेसेसरी एक स्टेप फालतू किया। अच्छा ठीक है, फिर से हम घूम गए, मैं प्लीज़ एक बार रिपीट करता हूँ, हमें ये निकालना है, समझ में आ रहा है? ओके, ये कुछ नहीं करना, यहाँ से पावर पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट आएगा, सॉल्व किया, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, I1 पता है तो I2 आ गया, I2 आ गया, I2 प्लस I1 I आ गया, कर देंगे।